केजरीवाल की बैठक से लापता हुए विधायक। यूपी पुलिस का चला हंटर, अमानतुल्ला के घर बवंडर। विधायक ने बिगाड़ दिया केजरीवाल का चुनावी खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। जेल से बाहर आई केजरीवाल को चुनावी रणनीति बनाते बनाते जोरदार झटका लग गया है। एक तो उन्हें पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की खबर ने परेशान कर दिया है, तो दूसरी तरफ विधायकों की मीटिंग में बड़ा खेल हो गया है। दरअसल केजरीवाल ने अपने घर पर आपके सभी विधायकों की बैठक बुलाई। इस दौरान आपके तमाम विधायक वहां पहुंचे, लेकिन ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान बैठक से गायब रहे। जबकि ये बैठक आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम थी, क्योंकि केजरीवाल के पास जेल से बाहर रहने का वक्त खत्म हो रहा है। ऐसे में काफी वक्त तक उनका इंतजार भी किया गया, लेकिन अमानतुल्ला खान नहीं पहुंची। ये देखकर न सिर्फ केजरीवाल परेशान हो गए, बल्कि सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है कि आखिर अमानतुल्ला खान क्या करने वाले हैं। खैर, इस मुद्दे पर आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले क्यों अमानतुल्ला खान ने सीएम केजरीवाल के आदेश को दरकिनार कर दिया और क्यों पार्टी की इम्पोर्टेंट बैठक में वो शामिल नहीं हुए, चलिए बताते हैं। दरअसल अमानतुल्ला खान और उनके बेटे पर नोएडा सेक्टर 95 में पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ मारपीट और धमकाने का आरोप है। इस केस में नोएडा पुलिस अमानतुल्ला खान और उनके बेटे की तलाशी कर रही है। नोएडा पुलिस का दावा है कि अमानतुल्ला खान और उनके बेटे अंडरग्राउंड हो गए हैं। नोएडा पुलिस की एक टीम आप विधायक के घर गई थी, लेकिन एमएलए और उनका बेटा वहां नहीं मिले थे। अमानतुल्ला और उनके बेटे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। खैर, अब लापता विधायक अमानतुल्ला खान केजरीवाल के लिए आफत बन सकते हैं, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी की वजह से पार्टी की जमकर थू हो रही है। इसी वजह से नोएडा पुलिस ने न सिर्फ उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है, बल्कि अमानतुल्ला खान और उनके बेटे की तलाश के लिए 3 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जल्द ही यूपी पुलिस अमानतुल्ला खान को ढूंढकर निकाल लाएगी और चुनाव के बीच विधायक और उनके गुंडागर्दी दिखाने वाले बेटे की गिरफ्तारी तय है। ऐसे में विधायक की गुंडागर्दी पर लोग आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पार्टी ईमानदारी शराफत के नाम पर सत्ता में आई और तो और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में कूदी, लेकिन आज उसी पार्टी को देख लीजिए, उसी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार के जाल में तो आधे से ज्यादा पार्टी फंसी हुई है। खैर, अब अमानतुल्ला खान पर ईडी की सख्ती के बीच यूपी पुलिस ने भी सख्ती दिखा दी है। एक थाना फेज 1 पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर एक विधायक है अमानतुल्ला, उनके बेटे के द्वारा मारपीट की गई पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ में। बाद में वहाँ मौके पर विधायक अमानतुल्ला स्वयं भी आए और उनके द्वारा भी वहाँ पर धमकी दी गई है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी मैंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन बात को लेकर कहां सुनेंगे? ये पेट्रोल पंप पे गाड़ी को आगे और फिर पहले फिलिंग कराने को लेकर के लाइन तोड़ करके उसके लिए अंकित किया गया है। सारी घटना का सब पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। तो अब चुनाव के बीच अगर अमानतुल्ला खान बेटे के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं तो ओखला में आम आदमी पार्टी की किरकिरी होनी तय है। वैसे भी अमानतुल्ला खान के बैठक में नहीं पहुंचने पर साफ हो गया है कि मामला संगीन है और आगे एक्शन गंभीर होगा, क्योंकि अमानतुल्ला खान के बेटे ने नोएडा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया है और अमानतुल्ला खान का धमकी देते फुटेज भी वायरल हुआ है। इसीलिए नोएडा पुलिस ने सख्ती दिखाई है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।